उधर खबर है कि कोनों के चीते शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही गांधी सागर में नए चीतों की खेप आएगी, साथ ही यहां पर चीता सफारी भी बनाने की तैयारी। चीता प्रोजेक्ट को लेकर अगला प्लान क्या है जानते हैं। गांधी सागर में शुरू होगी चीता सफारी। नए चीतों को लाने की हो रही तैयारी। कुनू में लगातार हो रही चीतों की मौत की वजह से यहां चीता सफारी नहीं शुरू हो पाई, लेकिन मंदसौर के गांधी सागर पार्क में चीता सफारी की तैयारियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है चीता सफारी की तैयारियां अंतिम चरण में है। 17 करोड़ का फेसिंग का काम अक्टूबर में पूरा होगा। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से 10 नए चीते लाए जाएंगे। कुनू से चीते शिफ्ट होंगे ये अभी साफ नहीं है। पर्यटक यहां पर बिग कैट का दीदार कर सकेंगे। यहां चीते बसाने की तैयारियां 2 साल से चल रही थी। हालांकि पहले यहां पर चीतों के भोजन को लेकर चिंता थी, लेकिन अब वो समस्या भी दूर की जा चुकी है और चीतों के लिए अनुकूल वातावरण भी बनाया जा चुका है। गांधी सागर क्षेत्र में अन्य वन्य जीवों के साथ 15 तेंदुए हैं। तेंदुए के साथ चीतों के लिए भी भोजन का पर्याप्त इंतजाम है। यहां 266 चीतल लाए जा चुके हैं, 150 से अधिक नील गाय और इतने ही चिंकारा है। हालांकि कुनू में हो रही चीतों की मौत के बाद संभल कर तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। कुनू में 5 चीते और 3 शावकों की मौत के बाद गांधी सागर को ही चीतों का नया आशियाना माना जा रहा है। हालांकि चीता प्रोजेक्ट को लग रहे झटके पर जहां केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जल्दीबाजी करना सही नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय कुनू के लिए लिया, लेकिन लगातार जो मृत्यु हुई और विशेषज्ञ भी अभी ठीक ढंग पर नहीं पहुंच पाए कि उनकी मृत्यु का कारण वास्तविक क्या था। मुझे लगता है कि किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होना चाहिए, उनकी ठीक देखभाल हो। और सरकार ने काफी सोच समझ के गांधी सागर भेजने का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि सरकार ने जो निर्णय लिया वो उचित है। मैं नहीं समझता हूँ कि कुनू में चीते नहीं आएंगे, ये निर्णय नहीं है। लेकिन जो 10 चीते आने वाले हैं वो राजस्थान में जाएंगे, ऐसा निर्णय है। लेकिन ऐसा नहीं कुनू समाप्त हो जाएगा। फिर भी आश्चर्य मुझे इस बात का है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए कुनू को तैयार किया गया था, करोड़ों रुपया खर्च किया गया था, अधिकारी भेजे गए थे, अफ्रीका और नामीबिया भेजे गए थे ये देखने के लिए कि वहां चीते किस पास रहेंगे, उनका पर्यावरण क्या होना चाहिए, और कुनू उसके लिए फिट पाया गया था। तो ये सब जो करोड़ों की कार्रवाई हुई कैसे हुई। फिलहाल कुनू में चीतों पर छाए संकट के बीच ये देखना होगा कि गांधी सागर पार्क क्या चीतों के लिए सही ठिकाना होगा और चीता सफारी बनने से यहां लोग चीतों का दीदार कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भले ही कुनू नेशनल पार्क में पूरा ना हो पाया हो, लेकिन अब इसे पूरा करने की तैयारी गांधी सागर में की जा रही है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने पहले ही ये बात साफ कर दी है कि कुनू नेशनल पार्क में अब और चीते नहीं आएंगे और इसीलिए दक्षिण अफ्रीका से आने वाले चीते अब गांधी सागर में जाएंगे, जिससे कि लोगों को सफारी करने का लुत्फ मिल सके। हालांकि एक चुनौती अभी भी बनी हुई है कि जो चीते कुनू नेशनल पार्क में स्वस्थ नहीं रह पाए, क्या उनकी सुरक्षा गांधी सागर में हो पाएगी, क्योंकि गांधी सागर और कुनू नेशनल पार्क की जब तुलना की गई थी तो कुनू नेशनल पार्क को चीतों के लिए श्रेष्ठ माना गया था। अब आखिर ऐसी कौन सी रिसर्च सामने आ गई जो आने वाले चीतों को गांधी सागर ले जा रही है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट।